किसान वीरो सत श्री अकाल दोस्तों, ये जिहड़ा आपां वेख रहे हां बैड्डां वाला छट्टा मार्केट आ झोना बीजिया सी, किसान वीर लगातार पुछ रहे सन ते आपां अज फिर एक वारी तुहाडे रूबरू हाँ जी इस झोने नाल। ये भाग चौथा तुहानूं दिखाया जा रहा है, जो भी इस दे विच नुकसान जां फायदा है चंगा माड़ा वो तुहाडे सामने रख रहेंगे। कोई भी गल जिहड़ी है इस दे विच तुसीं भी कहना चाहो, कमेंट करके अपने विचार लिख सकते हो। तो दोस्तों पहला थोड़ा थोनू ये वीडियो दिखा देव इन बूटों की नेड़े तो स्थिति, घट्टो घट हर दाने के जड़े ने तीन तो लैके अठ तक जड़िया ने शाखा निकल चुकिया ने। तो ये आप 6 मई में इसकी बिजाई करी सी, पहली वीडियो इस झोने की 7 मई में तुहाडे चैनल पॉलिटिकल लाइव ते पाई गई सी। तो दोस्तों जिहड़ा ये तुसीं खेत वेख रहे हो ये जिहड़ा आपां उच्चा नीवां खेत चुनिया सी, इस दे विच लेजर लेवलर नाल जमीन पद्धरी नहीं सी कीती, ते नाल ही जिहड़ा कुछ दरमियाना खेत चुनिया गया सी जिहदे विच रेत की मकदार ज़्यादा है, रेतीला जिहड़ा ये वाहन है थोड़ा जिहा, ते उबड़ खाबड़े उच्चा नीवा, ते इस दे विच कणक भी जिहड़ी उग गई सी पर हुण काफ़ी थावां दे उपर कणक जिहड़ी उह सुक चुकी है। तो ये बहुते भागां दे विच तुसीं झोना ही वेख रहे हो, तुहानूं उच्चा जिहड़ा कैमरा करके विखा दिंदे आ बूटियां दी जिहड़ी स्थिति है। तो दोस्तों इत्थे जिहड़ी असीं एक मेन गल नोट कीती है, वो जिहड़े थावां दे उपर उच्चा सी बहुत ज़्यादा उच्चा नीवा थां सी ते जमीन छेती खुशक हो रही सी, उत्थे लोहे की कमी आई सी। तो उस तो बाद असी इस दे विच कोई भी होर खाद बेशक नहीं पाई, पर यूरिया खाद जिहड़ी है सारे जिन्हें भी बैड ने सारे दे उपर वरती गई है थोड़ी जी, ते एक कनाल जगह 1 किलो बीज लग्या सी। ते किसान वीरो इस वीडियो जिहड़े किसान वीर वट्टां वाले झोने बारे पुछ रहे हैं कि वट्टां दे झोना किवें लाया जांदा है, वह भी तुसीं इस वीडियो वेखोगे, तुहानूं हुणे ही विखावांगे। पहलां इस बैड्डां वाले झोने की थोड़ी जी होर तुहाडे नाल गल कर लईए। किसान वीरो जिहड़ी झोना है जिथे पानी जिहड़ा पहले पानी दे विच बैड्डां दे उपर चढ़ गया सी 1-2 थावां ते, उत्थे जिहड़ा झोना है बहुत शानदार होया है, जिहड़ा थावां सिर्फ सिल गई सी उन्हां थावां दे उपर लोहे की कमी आई है। उस तो बाद च डॉक्टर दलेर सिंह जी जिहड़े लगातार असी ट्रायल कर रहे हैं तजर्बे कर रहे हैं उन्हां दे नाल विचार चर्चा करन तो बाद असी जिहड़ा इस दे उपर लोहे की जिहड़ी स्परे नहीं कीती, पर सारे बैड्डां दे उपर दी असी पानी नूं लंघा दिता एक वारी। तो दोस्तों ये भी दस दिए कि इन्हों नूं थोड़ा जिहा मिंट ही पानी लाउणा पैंदा एक कनाल जगह च, पर पानी इस नूं लगभग जिहड़े 7 लग चुके ने, तो सिर्फ पानी मामूली आ लाउण सारी जिवें कह लईए आपां नक्का उस तों बाद च बंद करना पैंदा क्योंकि पानी बड़ी जल्दी इस दे विच फैल जांदा है। पर एक वार भरवां पानी लाया सी ते कई दिनां बाद जिहड़े कई दाणे विच्चों फिर दुबारे पुंगर गए सन। तो हुण इस दे विच जिहड़ी एक समस्या सानूं लग रही है कि बजाए छट्टे दे एक सार इस दे उपर जिहड़ी है बिजाई करनी चाहीदी, जिवें सुखजीत सिंह जिहड़े भीरोके दे किसान ने उन्हां ने बैड्डां दे उपर कणक की बिजाई करी सी जिन्हां दा 30 क्विंटल तो उपर झाड़ निकलिया, तो उन्होंने हाथ नाल चलन वाली एक छोटी जी मशीन बनवाई सी जिहदी कीमत भी 6-7 हज़ार रुपये है, वह भी तुहानूं जल्दी विखावांगे मशीन जिहड़ी है। तो उस दे नाल बीजिया झोना जिहड़ा है किते ज़्यादा वधिया है जे आपां उह बीज दे वल सही पाईए। तो दोस्तों जिहड़ा बीज है तुहानूं एक होर भी बड़ा सानूं अचंबा हो रहा है कि क्योंकि इहदे विच आपां छट्टा मार के बीजिया रेतला थां है, काफ़ी ज़्यादा बीज जिहड़ा मिस होया है, जिहड़ा आपां वीडियो दे विच भी तुसीं सामने वेख सकते हो। कुल मिला के जे वेख्या जावे तां इह जिहड़ा 5 किलो बीज जिहड़ा उह साडे हिसाब नाल लगदा है बिल्कुल ठीक है छट्टे वास्ते, जे आपां तकनीक सही वरतीए इस नूं ड्रिल कीता जावे, जे एक एक दाणा सही तरीके नाल बीजिया जावे। किसान वीरो इह जिहड़ा तुसीं झोना वेख रहे हो ये लगभग 19 दिन की पनीरी है, तो ये 2020 की ताज़ा तस्वीर ने, सब तो पहला असं तुहानू 2020 दियां ताज़ा तस्वीर विखा रहे हैं। 19 दिन का उम्र का जिहड़ा झोना लग रहा वट्टां ते, ते कई किसान ये भी सवाल कर रहे हैं भी जिहड़ा तुसीं छट्टा मार के बैड्डां दे उपर झोना बीजे है जां ये जिहड़ा वट्टां वाला झोना इस दे विच कंबाइन किवें वढेगी। तो दोस्तों वधेरे जानकारी वास्ते जिहड़े भी वीर कमेंटा च लिखणगे असीं तुहानू उहनां किसान वीरां दे नंबर दे देवांगे जिन्होंने 20-25 किले ये झोना लाया, कंबाइन नूं कोई समस्या नहीं बिल्कुल भी रत्ती भर भी। तो जिहड़ा बैड्डां वाला झोना है उस दे विच ते वट्टां वाले झोने विच सब तो वड्डा फायदा इह कि झाड़ जिहड़ा आम कद्दू करके झोने नालों लगभग 5 क्विंटल तो लैके 10 क्विंटल तक का फर्क है जी, झाड़ बहुत ज़्यादा फर्क पैंदा है। तो जेकर लेड इस वट्टां दे उपर लाया जाए जिवें PR 126 वरायटी है
ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸੱਤ ਦਸ ਦਸ ਦਿਨ ਵੱਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟਾਂ ਨੇ ਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੰਮਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਦੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20-25 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟੋਂਪ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਦੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਸਟ ਮਿਕਸ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਟੋਂਪ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵੱਟਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਦੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕੱਦੂ ਕਰੇ ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਦੂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ 1000 ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਬੈੱਡਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਨਿਸਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਉੱਲੀ ਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹਵਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੂਹੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਆਦਿ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੰਡੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੋਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਾਂਗੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਪੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ 19 ਦਿਨ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਆ PR 121 ਦੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਗਿੱਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 12 ਕਿੱਲੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਵਾਰ। ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਲਗਾ ਸਕੇ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰੀ।